प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 919। आज विभिन्न स्थानों से मिले 18 नए मरीज। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय तीसरी बार बने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष। गरियाबंद की ग्रामीण महिलाओं ने कोरोना से बचने के लिए बनाया 10 जड़ी बूटियों का काढ़ा। और प्रदेश के स्कूलों में मध्याह्न भोजन के बदले दिए जा रहे हैं सूखे अनाज। धमतरी के विभिन्न स्कूलों में बांटे गए अनाज और अन्य सामग्रियों के पैकेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 900 के पार हो गई है। कल एक ही दिन में 129 नए मरीजों के अलावा आज अभी तक 18 नए मरीज मिल चुके हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 919 हो गई है। इससे पहले गुरुवार को 93 और बुधवार को 86 नए मरीज मिले थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले दो हफ्तों के दौरान राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इनमें से ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं। वहीं कुछ स्थानों पर अस्पतालों के स्वास्थ्य कर्मचारी और पुलिस के जवान भी कोरोना से प्रभावित हुए हैं। महासमुंद जिले के बागबाहरा में नगर पालिका के 5 कर्मचारी और भाटापारा में रेलवे स्टेशन पर तैनात 3 स्वास्थ्य कर्मचारी भी कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। अब तक के आंकड़ों में 3/4 मरीज पुरुष हैं और केवल 1/4 महिलाएं हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के कुछ क्वारंटाइन सेंटरों में ठहरे हुए लोगों और वहां के प्रभारी कर्मचारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन सेंटरों पर बुनियादी सुविधाओं में कोई कमी न रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय ने आज प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण कर लिया। वे तीसरी बार प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। श्री साय ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में प्रदेश भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में निवृत्तमान प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी से कार्यभार ग्रहण किया। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद श्री साय ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वे केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए विशेष रूप से अभियान चलाएंगे। साथ ही राज्य सरकार के खिलाफ भी विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन किया जाएगा और हमारे लोगों को, हमारी पार्टी को उग्र आंदोलन सरकार के खिलाफ करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते आज कह रहा हूं कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास इस सरकार के खिलाफ में अनेकों मुद्दे हैं। उन मुद्दों के खिलाफ में सड़क पर बिल्कुल हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता उतरेंगे, बड़ा बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए श्री साय ने कहा कि मरवाही में विधानसभा उपचुनाव और अगले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जल्द ही अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएंगी। केंद्रीय जनजातीय कल्याण राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज और आत्मनिर्भर भारत अभियान से कोरोना के खिलाफ जंग में देश को अवश्य सफलता मिलेगी। अमरकंटक जाने के दौरान मनेंद्रगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को कोरोना के खिलाफ जंग के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई है। इसमें विभिन्न मदों के अलावा खनिज की रॉयल्टी का पैसा भी शामिल है। लॉकडाउन के नियम बनाए, इसके बाद सभी प्रदेश सरकारों को उन्होंने फैसला लेने का अधिकार दे दिया है। जहां भी जिस प्रकार की सुविधा होगी उस प्रकार से क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएंगे। जैसे बिहार के लोग बहुत बड़ी संख्या में देश के कोने कोने में फैले हुए थे, तो बिहार में घरों में ही होम क्वारंटीन बनाने
का फैसला प्रदेश सरकार ने लिया और इसी तरीके से छत्तीसगढ़ ने, हालांकि यहाँ के प्रवासी बहुत कम थे, 3.5 लाख की संख्या थी, इसलिए यहाँ पर हमारे पास दोनों स्थिति है, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि हमको क्वारंटीन सेंटर में रखना है। हालांकि इस बात के को मैं भी कह रही हूँ कि क्वारंटीन सेंटर में सुविधाओं की कमी है और हमारी सरकार ने पैसे देने में कभी कोई कमी नहीं की है। 432 करोड़ रुपए कोरोना की लड़ाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, 56 करोड़ रुपए अलग से दिया गया है और उसके साथ साथ जो 14वें वित्तीय राशि है वो भी भारत सरकार ने ही दिया है और जो कोयले की रॉयल्टी मिलती है उसका जो 30% शेयर प्रदेश सरकार का रहता है उसको भी खर्च करने का अधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। 2,745 करोड़ रुपये और इसके अलावा भी लोगों के अन्य सुविधाओं के लिए दिया गया है, तो पैसे की कहीं कोई कमी नहीं है। बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रदेश में क्वारंटाइन सेंटरों में कहीं कहीं बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायतें मिली है, इन्हें दूर करने के लिए उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के प्रयास में सामाजिक संस्थानों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई एक वेबसाइट का लोकार्पण किया। coronahelp.cgstate.gov.in नाम की इस वेबसाइट पर लोगों को कोरोना संबंधी आवश्यक सूचनाएं और जागरूकता से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही प्रदेश में कोरोना की नवीनतम स्थिति, क्वारंटाइन सेंटरों की सूची और इलाज से संबंधित जानकारियां भी इस वेबसाइट पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने इस वेबसाइट को उपयोगी बताते हुए कहा कि कोरोना को नियंत्रित करने में सरकार के साथ ही सामाजिक संस्थानों और अन्य इकाइयों की भी अहम भूमिका है। इस लिहाज से ये वेबसाइट सभी पक्षों के बीच एक सेतु का कार्य करेगी। इस वेबसाइट के माध्यम से कोई भी इच्छुक व्यक्ति स्वैच्छिक सेवा देने के लिए अपना पंजीयन करा सकता है, साथ ही सामग्री या नगद धनराशि दान के रूप में भी जमा करा सकता है। गौरतलब है कि इस समय राज्य में 20,000 से अधिक क्वारंटाइन सेंटर चल रहे हैं। इनमें 3.5 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर और अन्य व्यक्ति रुके हुए हैं। इन सभी की मदद के लिए ये वेबसाइट शुरू की गई है। कोरोना से बचाव के लिए केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी सहित विभिन्न जड़ी बूटियों से तैयार काढ़ा पीने की सलाह दी जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी गरियाबंद जिले की ग्रामीण महिलाओं के समूह ने ऐसी 10 जड़ी बूटियों को मिलाकर काढ़े का चूर्ण बनाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में इस काढ़ा चूर्ण का लोकार्पण करते हुए महिला समूह को शुभकामनाएं दी। इसे सर्व ज्वर हर का नाम दिया गया है। गरियाबंद जिले के केशाडोर गांव में भूतेश्वर वंधन केंद्र की महिलाओं ने यह चूर्ण बनाया है। आयुर्वेद विशेषज्ञों के अनुसार इसे 10 मिनट तक पानी में उबालने के बाद छान कर पीने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इस समय जबकि कोरोना की कोई दवा उपलब्ध नहीं है तो ये काढ़ा चूर्ण लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। आयुष मंत्रालय ने इसे लोगों के लिए उपयोगी बताया है। ये सर्व ज्वर हर चूर्ण सभी प्रकार के बुखार के अलावा सिरदर्द, खांसी, जुकाम और संक्रमण को रोकने में भी मददगार हो सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अलग अलग तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। जगदलपुर के लामनी गांव में स्थित जैव विविधता उद्यान में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर जगदलपुर की वन मंडल अधिकारी स्टाइलो मंडावी ने उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। उन्होंने वन क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं से कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए, जैसे सूखे कचरे को इकट्ठा करके जैविक खाद बनाई जा सकती है, साथ ही प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम किया जा सकता है। वहीं जगदलपुर के ऐतिहासिक दलपत सागर में इस मौके पर साफ सफाई का विशेष अभियान चलाया गया। इस अवसर पर धुरा गांव के खाद्य प्रसंस्करण केंद्र में आयोजित पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में ग्रामीण महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। वहीं इंद्रावती बचाओ अभियान के सदस्यों ने इस नदी को बचाने के लिए सांकेतिक रूप से 5 किलोमीटर तक पदयात्रा की। इन सदस्यों ने करंजी गांव में पौधारोपण भी किया। उधर राजनांदगांव में रानी सागर के पास बन रहे बर्ड पार्क में महापौर सहित जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया। नगर निगम आयुक्त चंद्रकांत कौशिक तथा विभिन्न वार्ड पार्षदों ने यहां 400 से अधिक पौधे लगाए। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि बर्ड पार्क में फलदार पौधे लगाने का उद्देश्य यही है कि इनसे आकर्षित होकर प्रवासी पक्षी यहां डेरा डालेंगे। इन पक्षियों के यहां आने से राजनांदगांव की प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि अगर पर्यावरण संतुलित है तो हम हैं,
और इस पर्यावरण को संतुलित करने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की आवश्यकता है। इसी बात को ध्यान रखते हुए नगर निगम के द्वारा एक पर्यावरण की दिन के आज विश्व पर्यावरण के दिवस में पेड़ लगाओ अभियान शुरू किया गया। करीब आज 400 पेड़ लगाया जा रहा है, इसको बर्ड पार्क के रूप में घोषित किया जा रहा है। प्रवासी जो हमारी चिड़िया हैं जो आते हैं यहाँ पे, वो आएंगे और फलदार वृक्ष पे फल जब लगेंगे तो आकर्षित होंगे और इस पर वो रहेंगे, उनका बसेरा होगा। तो निश्चित रूप से आम जनता के लिए भी बहुत अच्छा होगा और हमारे जो राजनांदगांव है वो हरियाली से पूरी और फल से फलीभूत हो जाएगी। महापौर ने कहा कि राजनांदगांव में पर्यावरण संरक्षण का ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। और अब बात भिलाई की। भिलाई स्थित छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने सर्वेक्षण और विभिन्न प्रकार के राहत कार्यों के उद्देश्य से एक ड्रोन खरीदा है। ये ड्रोन सघन वन क्षेत्रों के सर्वेक्षण के अलावा कृषि भूमि के नापजोख और बाढ़ और सूखा प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी इकट्ठा करने में उपयोगी हो सकता है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एम के वर्मा ने बताया है कि प्रदेश के कुछ विभागों द्वारा इस तरह के सर्वेक्षण की मांग अक्सर की जाती है, जिसे देखते हुए ये ड्रोन ऐसे विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ कहीं भी जैसे वन विभाग के लिए वन क्षेत्र, वन में किस तरीके के पेड़ पौधे हैं, वनाच्छित करने के लिए किस तरीके के उनके अफॉरेस्टेशन के कार्यक्रम है, उसका विकास किस तेजी से हो रहा है, कितने सर्वाइवल रेट हैं, इस तरीके के कार्य वन विभाग के लिए किए जा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से रेवेन्यू विभाग के लिए खेतों की और मालिकाना हक की रकबा खसरा नंबर, इसके साथ डिटेल मैपिंग की जा सकती है। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नगर निगम नगर पालिका के लिए प्लानिंग से लेकर के प्लानिंग और बाढ़ के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट में जहाँ कहीं भी बाढ़ और सूखा होता है उसके लिए वाटर रिसोर्सेस प्लानिंग करने के लिए, बाढ़ से बचत करने के लिए इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि ये मानव रहित विमान यानी कि ड्रोन एक घंटे में 800 हेक्टेयर क्षेत्र का सर्वेक्षण कर जानकारियां उपलब्ध करा सकता है। वहीं खदान क्षेत्र में भी ये ड्रोन विभिन्न प्रकार की तकनीकी जानकारियां एकत्र कर सकता है। और अब बात धमतरी जिले की। प्रदेश के स्कूलों में इन दिनों ग्रीष्मकालीन अवकाश चल रहा है, इस वजह से स्कूलों में मध्यान्ह भोजन का कार्यक्रम स्थगित है। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को ये निर्देश दिए हैं कि वे अपने विद्यार्थियों को अवकाश के दौरान मध्यान्ह भोजन के बदले महीने भर का सूखा अनाज और अन्य सामग्री पैकेट बनाकर वितरित करें। इसी कड़ी में धमतरी जिले में भी जून महीने के लिए मध्यान्ह भोजन का अनाज सभी विद्यार्थियों के पालकों को दिया जा रहा है। इस संबंध में धमतरी जिले के पोटियाडीह क्षेत्र के संकुल समन्वयक दिनेश अग्रवाल ने बताया कि सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के पालकों को आपसी दूरी का पालन करते हुए अनाज वितरण किया जा रहा है। भी बच्चों को सूखा सामग्री राशन सामग्री वितरण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है। उनके निर्देशानुसार प्रत्येक स्कूलों में 45 दिन का राशन बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वितरित किया जा रहा है। उसमें खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में उनको खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। और इसमें प्रत्येक बच्चों को प्राइमरी लेवल में चावल 4.5 किलो, दाल 900 ग्राम, अचार 666 ग्राम, सोया बड़ी 450 ग्राम, तेल 225 ग्राम, नमक 250 ग्राम की मात्रा तय की गई है और निर्धारित मात्रा में ही प्रत्येक बच्चों को सामग्री का वितरण किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि धमतरी जिले के साथ प्रदेश के अन्य जिलों में भी इन दिनों मध्यान्ह भोजन के लिए सूखे अनाज और अन्य सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। और बुलेटिन के अंत में अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 919। आज विभिन्न स्थानों से मिले 18 नए मरीज। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय तीसरी बार बने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष। गरियाबंद की ग्रामीण महिलाओं ने कोरोना से बचने के लिए बनाया 10 जड़ी बूटियों का काढ़ा। और प्रदेश के स्कूलों में मध्यान्ह भोजन के बदले दिए जा रहे हैं सूखे अनाज। धमतरी के विभिन्न स्कूलों में बांटे गए अनाज और अन्य सामग्रियों के पैकेट।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।